डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो अप्रोच है इसको टीचर सेंटर्ड अप्रोच कहते हैं और ये टीचर की तरफ से तमाम डायरेक्शन स्टूडेंट्स को दी जाती हैं इसमें इंस्ट्रक्शनल जो अप्रोचेस हैं ये स्ट्रक्चर्ड होती हैं सीक्वेंस्ड होती हैं और टीचर्स की तरफ से इनको पूरी डायरेक्शन मिलती है टीचर इज़ ऑल इन ऑल इन ऑल दिज अप्रोच एंड टीचर लीड टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस एंड टीचर डिसाइड्स एवरी थिंग अबाउट स्टूडेंट्स एंड फॉर द क्लास रूम लर्निंग सो इसमें जो अथॉरिटी है वो टीचर की है और टीचर की तमाम गाइडेंस जो होगी उसके मुताबिक स्टूडेंट्स उसको फॉलो कर लेंगे स्टूडेंट्स फॉलोअर होंगे और टीचर लीडर होगा इसके अंदर जो रोल है वो ये है तो ये है कि काफ़ी भी स्ट्रक्चर इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें सिर्फ टीचर के ही डिसीजनज हैं और वो चेंज नहीं करता और वो फ्लैक्सीबिलिटी अगर नहीं दिखाता तो फिर ये बड़ी रिजिड किस्म की जो है वह एक अप्रोच सामने आती है लेकिन इसमें जो बेहतरीन चीज़ ये होती है कि ये डिसिप्लिन अप्रोच होती है क्योंकि इसमें टीचर जो है वो एक्सपीरियंस्ड एक पर्सन है जो कि अपनी एक्टिविटीज़ को मोनिटर करना उसको डिसिप्लिन करना जो है वो उसको पता है कि किस तरीके से मैंने पूरी टर्म में अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को लेके चलना है तो इससे ये है कि काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो एक इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंच रही होती है इसमें जो है एकेडमिक कंटेंट बच्चों तक जो पहुंचता है वो टीचर खुद ही फ़ोटो कापी करा के लाएगा खुद ही सिलेक्ट करेगा बुक में से खुद ही उसके नोट्स बनाएगा खुद ही वो सारी चीज़ें डिसाइड करेगा कि मैंने किस तरह से ये इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुँचानी है फिर टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन जो है इसमें जैसे आप मैथमेटिकल रूल्स हैं या किसी भी कोर्स की जो आ, उसके अगर ऊपर इंफॉर्मेशन डिटेल से है पांच थेरीज हैं तो ये टीचर खुद एक तो थेरीज उसमें से सिलेक्ट करेगा कि कौन सी थेरीज जो हैं वो बच्चों को पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं तो इस तरह से ये डिसीजन जो है क्या पढ़ना है कॉन्टेंट के बारे में वो भी टीचर ही करता है और मॉडलिंग ए वायटी ऑफ एग्ज़ाम्पल्स जो हैं बात uh, uh, टीचर बहुत सा एक जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर एग्ज़ाम्पल्स भी खुद ही सिलेक्ट करके लाता है तो उसको बच्चों को समझाने के लिए तो इसमें फिर ये है कि बच्चों का रोल काफ़ी कम हो जाता है और इसमें ओवरऑल टीचर जो है वो सेंट्रल पोजीशन रखता है और इससे टू स्टूडेंट की जो इंगेजमेंट है उसमें कम इसलिए हो जाती है क्योंकि स्टूडेंट का जो वर्क है वो सिर्फ़ ये है कि उसको मेमोराइज़ करे उसको अंडरस्टैंड करे उसको कॉम्प्रीह करे और फिर सेल्फ आ, रीडिंग करने के बाद मज़ीद उसकी इन्फॉमेसन रिच करे और उन इंफॉर्मेशन को रिफ़्लेक्ट कर दे किसी असाइनमेंट की सूरत में किसी कोज़ की सूरत में किसी मेट की सूरत में या फाइनल टर्म में तो अच्छे मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट एकेडमिक हाई अचीवर्स जो हैं वो कहलाते हैं और इस तरह से इस मॉडल के मुताबिक इस अप्रोच के मुताबिक जो हैं स्टूडेंट्स को कि बाकी मल्टीपल जो एबिलिटीज़ होती हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस होती हैं उसको इग्नोर वो हो जाती हैं और सिर्फ उसमें जो मेमोरी है वो काफ़ी उसका ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल आ जाता है